दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत और आज मैं बात करने जा रहा हूं आपको जोशी मठ के बारे में। बताऊंगा कि वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं, हालातों के पीछे की क्या वजह है और सरकार इसको लेकर क्या कदम उठा रही है, क्योंकि वहां पर जो हालात बने हुए हैं उसने लोगों में डर दहशत फैला दी है। किस तरह से जो परिवार हैं वो उनको दूसरी जगह विस्थापित किया जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे परिवार हैं जो वहाँ से शिफ्ट होना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा सामने आया है, जो जानकारी सामने आई है, उसमें 700 से ज़्यादा ऐसे घर हैं जिनमें दरारें आ चुकी हैं। अब प्रशासन अलर्ट है, मुख्यमंत्री खुद उन प्रभावित जगहों पर गए हैं जहाँ पर दरारें आई हैं, खुद उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत की है, वहाँ पर मुआवजे का ऐलान किया गया है। लेकिन 170 से ज़्यादा ऐसे परिवार बताए जा रहे हैं जिनको राहत शिविरों में फिलहाल भेज दिया गया है। सरकार ने बाकायदा वहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई है, क्योंकि जिस तरीके के जोशी मठ के आसपास भी अगर देखा जाए जो दरारें हैं, उसके अलावा पौड़ी में भी ये कई जगहों पर दरारें देखी गई हैं। पौड़ी के कई घरों में दरारें आई हैं, कर्णप्रयाग में दरारें आई हैं, श्रीनगर में भी कई ऐसे घर हैं जिनकी तस्वीरें सामने आई है, वहाँ पर भी घरों में दरारें आई हैं। ज़मीन फटने की जो तस्वीरें सामने आई हैं, इस पर लगातार लोग चिंतित हैं और ये डर बना हुआ है कि कहीं ऐसे हालातों के बीच में जो जोशी मठ है उसकी क्या स्थिति हो जाएगी, क्योंकि आसपास जहां पर जितने भी लोग वहां पर रह रहे हैं फिलहाल वो डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके सामने ऑप्शन तो कुछ भी नहीं है। लेकिन राहत जो शिविर अब सरकार की तरफ से जो बनाए गए वहां पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को कह रहे हैं कि लगातार जो जोशी मठ को लेकर जो एक बात कही जा रही है कि जोशी मठ पूरा का पूरा जो खत्म होने जा रहा है या खत्म हो जाएगा, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक नहीं है। तकरीबन 70% लोग अभी भी वहां पर उसी तरह से रह रहे हैं, रोजाना वो अपना व्यापार कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो परिवार जिनको एहतियातन के तौर पर ज़्यादा खतरा ना हो, इसीलिए उनको दूसरी जगह पर सरकार ने शिफ्ट भी किया हुआ है। तो कुल मिला के एक तरह से ये डर और दहशत के माहौल के बीच में एक चिंता की बात इसलिए इसमें इस पूरे मामले पर हो रही है, क्योंकि इसरो की तरफ से एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है और इस सैटेलाइट तस्वीर में बड़ा खुलासा हुआ है, ये चिंता बढ़ाता है। इसमें दरअसल हुआ ये कि पिछले 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर ये जोशी मठ जो है वो धंसा है, ये इसमें दावा किया जा रहा है। 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच में तेजी से जो जमीन है वो धंसी है, तो ये एक तरह से चिंता को बढ़ाता है अगर वाकई में इस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है। इसीलिए 700 से ज्यादा ऐसे घर हैं, तकरीबन 723 घरों का जो आंकड़ा सामने आया है उनमें दरारें आई हैं। आपने जो तस्वीरें जोशीमठ की देखी होंगी, लोग अपने घरों को खाली नहीं करना चाहते हैं, वहां से जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है उसमें सरकार भी यह चाहती है कि अगर कोई स्थिति खराब होती है, जमीन ज्यादा धंसती है, लोगों के घर टूटते हैं, तो उनको पहले ही शिफ्ट किया जाए राहत शिविरों में, और उसकी कवायद भी अब शुरू की जा चुकी है। जोशीमठ का ये इलाका, थोड़ा इसके बारे में आप समझिए जानिए, क्योंकि किस तरीके की यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, क्यों इस तरीके की हालात यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि इसमें कई सारे पहलू सामने आ रहे हैं। एक पहलू यहाँ पर यह सामने आ रहा है कि जो निर्माण कार्य हो रहे हैं आसपास, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसकी वजह से क्या ये स्थिति आ रही है, जो भूधसाव हो रहा है, लोगों के घरों में दरारें आ रही है, ज़मीनें फट रही हैं, लोग इसी बात को लेकर वहाँ पर गुस्से में हैं और यही आरोप लगा रहे हैं कि बार बार जो निर्माण कार्य उस इलाके के आसपास में हो रहे हैं उसकी वजह से ये भूधसाव हो रहा है, घरों में दरारें आ रही हैं, उसको बंद किया जाए। लेकिन कई जगहों पर ऐसी भी तस्वीरें आई जिसमें कहा गया कि कंस्ट्रक्शन का काम फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन कई जगहों पर वो कंस्ट्रक्शन का काम चल भी रहा था, ये भी एक चिंता को बढ़ाता है। लेकिन फिलहाल जोशी मठ की बात करें तो जोशी मठ का जो एक हिस्सा है वो अलकनंदा नदी के ऊपर बसा हुआ है, और जिस तरीके के हालात वहां पर इस वक्त बने हुए हैं उसमें आने वाले दिनों में कहा जा रहा कि खतरा बढ़ सकता है, और इसीलिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट भी किया जा रहा है। लोगों के लिए बहुत ये समय मैं कहूँगा इतना आसान नहीं है समय को काटना और दूसरी जगहों पर शिफ्ट होना, क्योंकि उनके उनके कई पीढ़ियाँ उन घरों में रहती आई हैं, उनका बचपन, उनकी जवानी, उनका बुढ़ापा उन घरों में गुजरा, लेकिन आज उनको घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है, कल को अगर कोई समस्या यहाँ पर पैदा होती है। इस बीच जो पूरे हालातों पर है, चाहे मैं केंद्र की कहूँ, उसकी पूरी नज़र है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी हालातों का जायजा लिया था और एक कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। कैबिनेट की बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जोशीमठ के हालातों को लेकर, 40 करोड़ की आर्थिक सहायता को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, ये एक बहुत अच्छी पहल कही जा सकती है।
5 जगहों को पुनर्वास के लिए कैबिनेट ने चिन्हित किया, यानी कि 5 ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों का पुनर्वास होगा, उन जगहों को चिन्हित किया गया है और 4,000 की जगह 5,000 प्रति परिवार के लिए किराया दर जो है वो की गई है। पहले 4,000 रुपये था, अब इसको 1,000 रुपये बढ़ा दिया गया है, ये भी कैबिनेट में फैसला लिया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार फैसले ले रहे हैं, उनकी नज़र लगातार बनी हुई है और चिंता भी सरकार की बनी हुई है कि किसी तरीके के हालात वहां पर नहीं बिगड़े, और इसीलिए ये कैबिनेट की बैठक में भी तमाम जो फैसले हैं वो लिए गए हैं जोशीमठ को लेकर। और साथ ही साथ एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया है कि कैबिनेट में जो मौजूद मंत्रियों ने 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का फैसला किया, यानी कि उनका जो 1 महीने का वेतन होगा मुख्यमंत्री राहत कोष में वो इसे जमा करेंगे, और राहत कोष में जमा करने के बाद ये उन परिवारों के लिए काम आएगा जो जिनका विस्थापन हो रहा है, जिनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को 450 रुपये खाने के एक दिन के लिए दिए जाते हैं, ये भी इस कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। यदि कोई शिविर के बजाय खुद खाना बनाना चाहता है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में आपने देखा होगा कि खान पान को लेकर बहुत वो ध्यान देते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शिविर का खाना उनको पसंद नहीं है, नहीं खाना चाहते हैं, तो खुद भी अपना खाना बना सकते हैं, उनके लिए भी 450 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से सरकार देगी, ये भी एक फैसला कैबिनेट की बैठक में हुआ है। इसके अलावा जो विस्थापन के लिए 15,000 रुपये पशु प्रति पशु सरकार देगी, ये भी इस कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। बड़े पशुओं के लिए चारे की बात की जाए तो 80 रुपये और छोटे पशुओं के लिए 40 रुपये चारे के लिए दिए जाएंगे। तो ये तमाम जो फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही उठता है कि ये जोशीमठ का जो संकट है वो कब खत्म होगा, जोशीमठ के जो हालात हैं आखिर वो कब दुरुस्त होंगे, इसके पीछे का आखिर जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जिस तरह से ये हालात अभी आपको वहां पर नजर आ रहे हैं तो जोशीमठ के जो हालात हैं वो आने वाले दिनों में ज्यादा खराब ना हो, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो आश्वासन जरूर दिया है कि जिस तरीके का एक ये बात कही जा रही है कि जोशीमठ पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, अब वो बात बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर लोग अभी भी 70% आबादी रहती है, रोजमर्रा के काम वो कर रहे हैं, और 3 या 4 महीने बाद आपको याद हो कि चारधाम यात्रा भी उत्तराखंड में शुरू होगी, तो उससे पहले अगर ये डर की स्थिति है तो जाहिर है यात्रा पर भी इसका कहीं ना कहीं प्रभाव देखा जा सकता है। इसीलिए सरकार अपनी तरफ से मैसेज क्लियर करना चाहती है कि किसी भी तरीके की ऐसी कोई भयावह स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी भी वहाँ पर आपने देखा होगा जोशीमठ अगर हम देखें उसके आसपास के इलाके में जहाँ पर भी लोग घूमने के लिए जाते हैं, होटल्स में वहाँ पर लोग अभी भी रह रहे हैं, लेकिन डर की जो स्थिति फिलहाल जो बनी हुई है उसको लेकर लोगों ने चिंता जाहिर की है। जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत डरे हुए हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार ने की है लोगों के लिए और विस्थापन की प्रक्रिया शुरू है। 700 से ज़्यादा ऐसी घरों में जो दरारें आई हैं, अब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लगातार इस पर नज़र बनी हुई है, केंद्र की इस पर नज़र बनी हुई है, कैबिनेट की बैठक में आपने देखा कितने अच्छे फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। तो ये एक मैसेज है, खुद सरकार लोगों के साथ खड़ी है और ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि किसी भी तरीके की जो स्थिति है वो ज़्यादा ख़राब नहीं है, क्योंकि बहुत सी जगहों पर आपने देखा होगा ये कहा जा रहा है कि जोशीमठ क्या ख़त्म हो जाएगा, क्या पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, क्या आने वाले दिनों में स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तो इसको लेकर लोगों में डर भी बैठा हुआ है। इसीलिए कुछ लोग वहाँ से पलायन भी करने शुरू हो चुके, यानी कि दूसरी जगह उनको शिफ्ट किया जा रहा है। तो इसीलिए अब आने वाले दिनों में स्थिति ज़्यादा ख़राब ना हो सरकार पूरी नज़र रख रही है, और कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उससे कहीं ना कहीं जोशीमठ के जो बासिंदे हैं, जिनको विस्थापित जो हैं, जिनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, जो शिविरों में रहेंगे उनके पुनर्वास की व्यवस्था, और सरकार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके की उनको दिक्कत ना हो, और आने वाले दिनों में उम्मीद यही की जा सकती है कि जोशीमठ के जो हालात हैं वो ठीक हों। लेकिन कर्णप्रयाग में भी हमने देखा कि घरों में दरारें, श्रीनगर में भी, पौड़ी में भी ऐसी कई जगहों पर ये तस्वीरें आई, इसीलिए चिंता को बढ़ा रहा है। वहाँ के भी लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ की जैसी स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है, इसीलिए लोगों के मन में डर है, खौफ है, आंखों से आंसू है, क्योंकि उन्हें अपने घर को फिलहाल तो छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर दरारें आ चुकी हैं, वो वहां पर नहीं रह सकते, कभी भी घर धराशायी हो सकता है और कभी भी कोई हादसा हो सकता है, इसीलिए लोग खुद दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। सरकार ने उनके पुनर्वास की व्यवस्था की है ताकि एक बड़ा जो खतरा आने वाले दिनों में आ सकता है उससे पहले ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा सके, ताकि लोगों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। और इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उन जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कैबिनेट की बैठक में भी उन्होंने तमाम अहम फैसले लिए हैं ताकि जोशीमठ के लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो जो लोग वहाँ पर रहते हों
जिन लोगों को दूसरी जगह पर विस्थापित किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है, जो शिविरों में भी रह रहे हैं, उनके लिए भी सरकार ने पूरी खाने पीने और रहने तक की व्यवस्था वहां पर की हुई है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में हालात सुधरें और पहले की तरह ही उत्तराखंड में जोशीमठ के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ये भी बताएं कि आपको के पीछे की क्या वजह लगती है, क्या वहां पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं ये आपको इसके पीछे की वजह लगती है, जो भू धसाव हो रहा है, दरारें आ रही हैं, क्योंकि लोग तो इसी बात को कह रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।